ओम श्री साई राम। अध्याय पांचवा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव का परामर्श एवं महर्षि व्यास के निर्देश मान लिए। उन्होंने सेना के साथ अपने भाइयों को उत्तर की दिशा में उस स्थान पर भेजा जहां ब्राह्मणों ने अधिक भार के कारण स्वर्ण पात्रों को फेंक दिया था। समस्त सेना और पांडु कुल चार भाई आवश्यक ईश आराधना आदि करके उस स्थान की ओर चल पड़े। उस स्थान पर पहुंचने के उपरांत उन्होंने उस अतुल्य राशि को देखा जिसे राजा मारुत की दानवीरता के कारण ब्राह्मण उठा के ले जाने में भी समर्थ नहीं हो पाए थे। उन्होंने इस स्वर्ण को मार्ग के दोनों ओर डाल दिया था। सेना ने उस स्वर्ण भंडार को हाथियों, ऊँटों और गाड़ियों में भरा तथा प्रसन्न मन से राजधानी की ओर चल पड़ी। उस भार को राजधानी तक पहुँचने में कई दिन लगे। हस्तिनापुर वासियों के हर्ष जयकारों के मध्य उस स्वर्ण भार को उतारा गया। उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। उस स्वर्ण राशि से जो महान अनुष्ठान पूर्ण होने वाला था उसकी चमत्कार पूर्ण कल्पना सबके मन में आनंद की लहर पैदा कर दी थी। यज्ञ वेदिका निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ कर दिया गया तथा यमुना तट पर अन्य आवश्यक कार्य भी प्रारंभ कर दिए गए। उस पवित्र स्थली को कई वर्ग मीलों में घेर कर जमीन को समतल और साफ कर दिया गया तथा यज्ञशाला बनाई गई। उस स्थान पर अनेक सुंदर इमारतें बनाई गईं जिनके बरामदे और द्वार आदि अनेक सौंदर्यपूर्ण कला से सुसज्जित थे। अनेक प्रकार की वंदनवारों और ध्वजों से उस स्थली को सजाया गया था। उस पवित्र दिन के निकट आते आते समस्त दिशाओं से संतजनों, मुनियों, ब्राह्मणों और दर्शकों की भीड़ हस्तिनापुर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती थी। उनमें से प्रत्येक ही राजधानी में शीघ्र पहुंचने के लिए उत्सुक था। वहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय स्थान दिए गए। सब ने रात्रि का प्रत्येक क्षण गिन गिन कर बिताया। सबके मन में एक ही उत्सुकता थी, कल का होने वाला यज्ञ कैसा होगा। उपस्थित लाखों दर्शक हर्ष और आनंद के उन क्षणों के लिए प्रतीक्षित थे। सूर्य उदय हुआ। यज्ञ का पवित्र एवं आह्लादकारी क्षण निकट आ पहुंचा। पुरोहितों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और यज्ञ आरंभ करने हेतु तत्पर हुए। उन्होंने श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर की और अभिमुख हो उनसे निवेदन किया, महाराज क्या आपका प्रस्ताव एक साथ ही तीन अश्वमेध यज्ञ करने का है? यदि आपका ऐसा विचार है तो बताइए कि क्या हम एक यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात दूसरा यज्ञ करें अथवा यज्ञ की प्रत्येक क्रिया को और मंत्र को प्रथम में ही तीन बार कहें, आप इस विषय में बताइए, तब हम उसी के अनुसार विद्वान जनों को यज्ञ आरंभ करने के लिए कहें। महाराज धर्मराज ने कहा, इस विषय में आप स्वयं ही अधिक जानते हैं और इस स्थिति में फिर मुझे क्या कहना है। मुझे केवल भगवान वासुदेव की अनुमति चाहिए कि इस संबंध में वे क्या कहते हैं। और ऐसा कहते हुए वह श्री कृष्ण की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगे। कुछ देर आपस में विचार परामर्श हुआ और निष्कर्ष निकला कि तीन बार मंत्रों को कहने से तथा ब्राह्मणों को तिगुनी दक्षिणा देने से तीन अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलेगा। इस परामर्श के प्रति भगवान कृष्ण ने अपनी स्वीकृति प्रकट की और तभी युधिष्ठिर ने तदानुसार यज्ञ करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ब्राह्मणों के
मंत्र घोष से आकाश और पृथ्वी गुंजित हो उठे। प्रारंभिक मंत्र उच्चारण के पश्चात यज्ञ वेदिका के निकट यज्ञ हेतु अश्व लाए गए। बड़ी शान के साथ अश्व चल रहे थे और उनका मुक्त रूप से वहाँ भ्रमण करना इस बात की खुली चुनौती थी कि यदि कोई अपने को अधिक बलशाली मानता हो तो उनको पकड़ के देखे। समस्त यज्ञों के फल को ग्रहण करने वाले प्रभु स्वयं ही वहाँ विराजमान थे और उनके निरीक्षण में ही सब कुछ हो रहा था। कैसा परम सौभाग्य था उन लोगों का जो यज्ञ कर रहे थे तथा जो यज्ञ के समय वहाँ उपस्थित थे। उनके सौभाग्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। और संपूर्ण यज्ञ कार्य विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। अपार हर्ष और संतोष का काल था। सब प्रसन्न और सुखी थे। मंत्र ज्ञाताओं संत जनों और ब्राह्मणों को पारितोषिकों उपहारों और स्वर्णभार के साथ लाद दिया गया। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सी गायें भूमि तथा स्वर्ण मुद्राएं देकर सबको प्रसन्न किया। समस्त राष्ट्रवादी हर्षित हो गए। प्रत्येक के मुख पर उस अलौकिक यज्ञ का यशोगान था। वहाँ आए हुए मेहमानों के लिए सुस्वादु भोजन के भंडार हर समय खुले रहते थे। तपस्वी जनों और वयोवृद्ध ऋषियों ने महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की तुलना राजा मारुत के यज्ञ से करते हुए कहा कि महाराज धर्मराज ने जिस महान उदारता का परिचय देकर यज्ञ संपन्न किया है उसके समक्ष महाराज मारुत की कृति भी कुछ फीकी हो गई है। महाराज मारुत के यज्ञ का सभापतित्व देवताओं के स्वामी इंद्र ने किया था, परंतु धर्मराज के भाग्य की तुलना में कौन टिक सकता है जिनके यज्ञ का सभापतित्व स्वयं भगवान कर रहे थे। यह सौभाग्य पाना तो अत्यंत ही दुर्लभ है। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की धर्मपरायणता का और यज्ञ विधान की भूरी भूरी प्रशंसा की। यज्ञ की समाप्ति पर दूर देशों से आए हुए व्यक्तियों राजाओं महाराजाओं को धर्मराज ने हार्दिक विदाई दी और वे अपनी अपनी राजधानी को वापस लौटे। राजघराने से संबंधित जन कुछ और दिन भी ठहरे और फिर अपनी सुविधा तथा इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को वापस गए। भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में कुछ दिन ठहरने का विचार किया। पांडव बंधु भगवान की इस कृपा के लिए अत्यंत कृतज्ञ हुए। उन्होंने प्रभु के निवास के लिए और भी अधिक सुखकारी प्रबंध किए। सब भाई नित्य उनकी सेवा करते थे, उनके दर्शनों से अपने नेत्रों को सफल बनाते, उनके उपदेश सुनकर अपने मन में ज्ञान प्रकाश का दीप जलाते और इस प्रकार अत्यंत हर्ष के वातावरण में दिन बीत रहे थे। कुछ काल रहने के पश्चात अर्जुन को साथ लेकर भगवान द्वारिका लौटे। द्वारिकावासियों ने अपने प्रभु के पुनरागमन पर अत्यंत हर्ष प्रकट किया और नगर द्वार पर श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान के मुख चंद्र को निहार उनके मन मयूर नित्य कर उठे। विदुर जी का आगमन। इसी मध्य यह पता चला कि हस्तिनापुर के निकट इलाके में श्री विदुर जी संत के वेश में भ्रमण करते हुए देखे गए हैं। जनता में फैली हुई यह अफवाह महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची, तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी। महाराज ने गुप्तचरों को वास्तविकता जानने के लिए भेजा और उन्हें पता लगाकर बताया कि सूचना सत्य है और श्री विदुर जी वहाँ उपस्थित हैं। महाराज युधिष्ठिर यह सुनकर अपने हर्ष और प्रसन्नता को संभाल नहीं पा रहे थे। वह कहने लगे, आह कितने सौभाग्य की बात है। उनका आगमन तो उस वर्षा के समान है जिससे सूखते हुए वृक्ष में फिर से नई कोपले फूटने की आशा उत्पन्न हो जाती है। मैं तो श्री विदुर जी
से पुनर्मिलन की आशा ही छोड़ चुका था, परंतु अब मैं उनकी सेवा करूंगा जिन्होंने हमें पाला, परवरिश किया और हमारा मार्गदर्शन किया। महाराज अत्यधिक हर्षित थे। कुछ दरबारियों के द्वारा राजमहल में भी यह सुख समाचार जा पहुंचा। वहां सभी हर्षित उठे। प्रसन्नता का यह समाचार एक से आगे दूसरे को पहुंचता गया और प्रत्येक जन में महाराज की खुशी में शामिल हो उठे। उन्होंने सेना को आज्ञा दी कि उनके चाचा श्री विदुर जी के नगर में आगमन पर भव्य स्वागत किया जाए, क्योंकि वह भगवान के अनन्य भक्त हैं। नगरवासियों को उनका नागरिक अभिनंदन करने के आदेश दिए गए। नगर की प्रत्येक गली सजने लगी, स्वागत द्वार बनाए गए और उन पर बंधनवार तथा ध्वज पताकाएँ लगाई गई। मार्गों के पास में औरतें, बच्चों और वृद्धों के लिए विशेष रक्षण स्थल बनाए गए, ताकि वे वहां से विदुर जी के आगमन के समय सुभीते के साथ सारा दृश्य देख सके। बड़ा विचित्र दृश्य था जब वृद्ध काय पुरुष अपनी लाठी का सहारा लिए मां के दोनों ओर विदुर जी की प्रतीक्षा में उनके दर्शन की एक झलक पाने को ललायत खड़े थे। उनकी दृष्टि में विदुर जी उस काल के धर्म के आलंबन थे। पांडवों के वे धर्म पिता थे, सत्य के प्रतीक थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज साक्षात धर्म ही मूर्त स्वरूप हो उन्हें सौभाग्यशाली बनाने उनके नगर में आ गया है। वे सोचते थे यह स्वप्न है, ऐसा सौभाग्य कहाँ कि विदुर जी के दर्शन हो। उन्हें पहले तो इस खबर पर विश्वास ही नहीं जमा था कि विदुर जी फिर से हस्तिनापुर आ गए हैं। अपने इष्ट मित्रों के साथ अनेक समूह बनाकर वे मार्ग पर खड़े थे। उनके हृदय हर्ष के कारण अधिक वेग से धड़क रहे थे। आज विदुर जी के दर्शन फिर होंगे, यही एक प्रश्न उनके मन में था। मार्ग के दोनों ओर इमारतों पर जनता की भीड़ ही भीड़ थी। नौजवान रस्तों के दोनों ओर के पेड़ों पर चढ़कर बैठ गए थे। वे श्री विदुर जी के सम्मान में जय जयकार कर रहे थे। उनके वक्ष हर्ष और जोश से भर उठे थे। ऐसा विचित्र था विदुर जी के स्वागत का जनता में भाव। धर्मस्वरूप विदुर जी का जो आगमन हो रहा था, महाराज धर्मराज अपने भाइयों के साथ शाही रथ में सवार होकर विदुर जी को लेने के लिए राजमहल से चले। विदुर जी नंगे पांव आते हुए दिखाई दिए। वह गुरु गंभीर चाल से धीरे धीरे आ रहे थे। उनके केश श्वेत थे और उन्होंने मुनियों के वस्त्र धारण कर रखे थे। महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई विदुर जी को देखते ही अपने अपने रथों से उतर पड़े। सबने उनके चरणों में सादर प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से उनके पीछे चलने लगे। रक्षकों के भरकस प्रयास करने पर भी जनता का बांध टूट पड़ा। वे सभी विदुर जी के चरण स्पर्श करने को उत्सुक थे। पांडवों के हर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके हर्षातिरेक की सूचक उनकी आंखें ही थीं। वे सब विरह जतिन उत्कंठा से कतार होकर ही प्रेम के आंसू बहा रहे थे। पांडवों ने विदुर जी को रथ में बैठ जाने की प्रार्थना की, क्योंकि दर्शनार्थियों को दर्शन दे सके। पांडवों के हर्ष का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके हर्षातिरेक की सूचक उनकी आंखें ही थीं। वे सब विरह जतिन उत्कंठा से कतार होकर ही प्रेम के अश्रु बहा रहे थे। पांडवों ने विदुर जी को रथ में बैठ जाने की प्रार्थना की, क्योंकि दर्शनार्थियों को दर्शन दे सकने का यही एकमात्र उपाय था। महाराज युधिष्ठिर के विशाल और देव दुर्लभ रथ में विदुर जी बैठे। मार्ग के सब और खड़े दर्शनार्थियों को उन्होंने दर्शन दिए और किसी प्रकार
धीरे धीरे चलकर रथ राजमहल में पहुंचा। नगर पंथियों में राजमार्गों में सुगति से बहने वाला जनकरलव एक हर्ष गीत के आहरों और अवरोह के समान प्रतीत हो रहा था। कुछ नागरिकों की स्थिति तो यह हुई कि वे दर्शनों के पश्चात वहीं पर चित्र लिखे से रह गए। कठोर तपस्या का जीवन जो मधुर जी ने बिताया था, उसके कारण उनके मुख के चारों ओर एक आभा मंडल प्रतीत होता था। वे दैविक शक्ति की तरह दिखाई दे रहे थे। साक्षात इंद्र की तरह उनका मुखमंडल दीप्तिमान हो रहा था। नागरिक एक दूसरे से उस विचित्र शक्तिशाली संत के विषय में उद्गार प्रकट कर रहे थे। बहुत से विदुर जी के द्वारा कठोर साधना का स्मरण कर रोमांचित थे, तो कुछ उन्हें जो कष्ट उठाने पड़े थे उसके लिए दुखी भी थे। रानियों और राजकुमारियों ने भी विदुर जी के दर्शन कर अपने सौभाग्य को सराहा। अध्याय 6। राजमहल में विदुर जी ने समस्त बंधु बांधवों का कुशल क्षेम पूछा। तत्पश्चात राजमाता कुंती वहां आई और स्नेह दृष्टि से विदुर जी को देखते हुए बोली, आखिरकार आज तुम दिखाई दे ही गए। और ऐसा कहते ही मन भर आने के कारण और अधिक शब्द ना कह सकी। थोड़ी देर बाद अस्वस्थ होकर उन्होंने कहा, जिन बच्चों को तुमने बड़े लाड़चाव से पाला था उनको तुम कैसे भूल गए? मुझसे स्नेह के संबंध भी तुम्हें याद नहीं रहे थे क्या? केवल तुम्हारी दया और आशीर्वाद के कारण ही आज मेरे बच्चे इस देश के शासक बन सके हैं। अनेक कठिन अवसरों पर यदि तुमने उनकी रक्षा ना की होती तो ना जाने आज वे कहाँ होते। अनेक कष्टों के चक्र में हम फंस गए थे और एक दुखपूर्ण स्थिति यह थी कि तुम हमारे पास नहीं थे। तुम्हारी अनुपस्थिति में हम बहुत दुखी थे। तुम्हारे दोबारा दिखने की आशा ही हमें नहीं थी, तो तुम्हारे ना मिलने की आशा से सूखे हृदयों में आज तुम्हारे आ जाने से हमारा खोया हुआ साहस हमें फिर मिल गया है। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। कुंती देवी अपनी नेत्रों से अश्रुओं को पोंछते हुए तथा शब्दों में अपने हर्ष को व्यक्त करते हुए उनके पास बैठ गई। विदुर जी ने उनके हाथों को पकड़ लिया, परंतु स्नेहावेग के कारण वे भी अपने आंसू ना रोक सके। कौरवों और पांडवों के पहले से संबंधों को सोचते हुए विदुर जी बोले, राजमाता, भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है? होने वाली बात होकर ही रहती है। मनुष्य अच्छा या बुरा जो कुछ भी करता है उसके अनुसार ही अच्छा या बुरा परिणाम प्राप्त करता है। मानव को फिर किस प्रकार स्वतंत्र कहा जा सकता है, जबकि वह कर्म और कर्म फल से सर्वथा बंधा हुआ है। मानव उस कर्म विधान के हाथों में एक कठपुतली की तरह बंधा हुआ है। जैसे ही उसका धागा खींचता है वैसे ही वह नाचने लगता है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या बनता है? सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार होता है और उसकी कृपा से होता है। विदुर जी जब ये आध्यात्मिक सिद्धांत व्यक्त कर रहे थे, तब पांडव बांधु महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुंती ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, यद्यपि तुम्हारी कृपा से हमारे पक्ष ने युद्ध में विजय पाई है, परंतु द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों को बचाने में हम असमर्थ रहे। दुर्भाग्य ने हमें बुरी तरह से ग्रस्त लिया है। जैसे कि तुमने कहा सच ही है, कौन दुर्भाग्य से बच पाता है? अच्छा है बीते हुए को भूल जाना ही ठीक है। जिसको ठीक ही नहीं किया जा सकता उसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ ही तो है। इस स्थिति में मैं यह कह सकती हूँ कि मेरे दुखी मन को आज तुमसे मिलने पर बड़ी शांति प्राप्त हुई है। इतने दिन तुम कहाँ रहे? विदुर जी ने कहा, इस समय में वह पवित्र स्थानों की यात्रा कर रहे हैं।
सब पांडु भाई बड़े ध्यान से विदुर जी की यात्रा की कथाएं सुन रहे थे तथा बीच बीच में वह उन पवित्र स्थलों के संबंध में कुछ पूछते भी जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उस पवित्र दिन की वह स्वयं भी प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे स्वयं भी उस पवित्र स्थलों को देख पाएंगे। विदुर जी जब जब किसी पवित्र स्थान का वर्णन करते थे तो धर्मराज युधिष्ठिर उस स्थल की कल्पना करते हुए प्रेम तथा भक्तिवश हो हाथों को जोड़कर नेत्र मूंद लेते थे और भाव विभोर हो जाते थे। इसी मध्य में भीम ने विदुर जी से पूछा, क्या आप द्वारिका गए थे? आप अपने वहाँ के अनुभव सुनाइए। तभी धर्मराज भी बोल उठे, आप वहाँ भगवान श्री कृष्ण से अवश्य मिले होंगे, वहाँ का विस्तृत विवरण सुनाइए। कुंती देवी भी बोल उठी, हाँ हाँ वहाँ का विवरण सब कुछ बताइए, मेरा पुत्र भी तो वही है, आप उससे अवश्य मिले होंगे। वे सब वहाँ कैसे हैं? मुझे आशा है कि वृद्ध नंद और यशोदा तथा वासुदेव और देवकी सब कुशल से होंगे। सभी ने विदुर जी से प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। विदुर जी इस प्रश्न का उत्तर देने को उत्सुक नहीं थे। उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे वे इस विषय पर बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि द्वारिका के मार्ग में उद्धव ने सूचना दी थी कि समस्त यादव कुल आपस में लड़कर नष्ट हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने भी मानव देव की अपनी लीला ही समाप्त कर दी थी। इतने समय के पश्चात मिलने की सुखद बेला में वह ये सूचना देकर पांडवों को दुखी नहीं करना चाहते थे। विदुर जी ने सोचा कि जब मैंने स्वयं ही उन्हें यह सुख दिया है तो फिर व्यर्थ ही उनको यह सूचना देकर उनके हृदय में दुख क्यों उपजाऊं? शीघ्र ही अर्जुन द्वारका से वापस आ रहे हैं और ये लोग उनसे इस दुखपूर्ण सूचना को स्वयं ही जान लेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने मुंह तक आई हुई बात को रोक लिया और कहने लगे, इन गेहुए वस्त्रों में फकीरी लिबास में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना मुझे उचित नहीं जान पड़ा और मैं वासुदेव देवकी तथा नंद और यशोदा आदि किसी से भी नहीं मिला। इतना कहते कहते विदुर जी चुप हो गए। उसके पश्चात उन्होंने द्वारिका तथा अन्य यात्राओं का वर्णन बंद कर दिया। विदुर जी कहने लगे कि मैंने सुना है युद्ध में तुम लोगों ने विजय पाई है और न्यायपूर्ण युद्ध में विजित किए इस राज्य को अच्छी प्रकार से भोग रहे हो, फिर अपने द्वारा पाले हुए बच्चों का आकर्षण मुझे मिलने को खींच ही लाया। मैं सिर्फ तुम लोगों से ही मिलना चाहता था और संबंधियों से मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसके पश्चात विदुर जी उनको वेदांतिक शिक्षाएं देते रहे और जब वार्तालाप समाप्त हुआ तब धर्मराज जी ने विदुर जी से प्रार्थना की कि वह उस विशिष्ट स्थान पर ठहरे और आराम करें जो उनके लिए खास तौर से निश्चित किया गया था। स्वयं धर्मराज विदुर जी को लेकर उनके आराम करने के स्थल पर पहुंचाने गए। निवास स्थान पर युधिष्ठिर ने अनेक सेवकों को नियुक्त किया था और सेवा का सब प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। विदुर जी ने यों तो उस अत्यंत आरामदेह स्थान पर ठहरना नहीं चाहते थे, परंतु यह विचार करके कि ना ठहरने से युधिष्ठिर को दुख होगा, केवल यही सोचकर वे वहाँ ठहर गए। आरामदेह बिस्तर पर विदुर जी लेट गए और बीते हुए समय का विचार करने लगे। भूतकाल के विचार से ही उनके मुंह में एक ठंडा निश्वास निकला। वे सोचने लगे, उनके भाई धृतराष्ट्र ने किस किस प्रकार के प्रपंच रचकर अपने ही भाई पांडवों के पुत्रों को नष्ट करने का प्रयास किया और फिर उस प्रयास में अपना समस्त कुल नाश कर बैठे। दूसरे पक्ष पर युधिष्ठिर के द्वारा जो व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ किया जा रहा था,
जिस प्रकार सेवा और सम्मान युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गंधारी को दे रहे थे, जिस प्रकार से उनकी प्रत्येक सुविधाओं का ध्यान करते थे, यह सोचते हुए धर्मराज के व्यवहार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही दोनों की सेवा करते थे और उनके प्रत्येक कार्य को अपनी ही देखरेख में पूरा कराते थे, ताकि किसी प्रकार की कमी दोनों की सेवा में ना रह जाए। धृतराष्ट्र के इस संपूर्ण व्यवहार पर विदुर जी को बड़ी शर्मिंदगी सी हुई, क्योंकि सब कुछ करने के पश्चात भी वे आज राजमहल की सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तब की होना तो यह चाहिए था कि धृतराष्ट्र को अपने मानव देह के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए था। उनको अपने जीवन और मरण चक्र से छूटने के लिए साधना करनी चाहिए थी। वह इन संसारिक सुखों और प्रसन्नताओं को त्याग कर ईश्वर आराधना में लगाना चाहिए था। विदुर जी ने यह महसूस किया कि उनका भाई अज्ञान के अंधकार में पड़कर अपने जीवन के जो दो चार वर्ष रह गए हैं उनको भी नष्ट कर रहा है। निज की अलौकिक शक्तियों के आधार पर विदुर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित यह पांडव भी अब अधिक दिन इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। इनके परायण का समय भी निकट आ गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जो अपने लीला काल में इनकी देखभाल करते थे, अब भी इनके लिए समयोजित ही करेंगे। परंतु ये अंधे धृतराष्ट्र पांडवों के जाने के पश्चात बहुत दुख पाएंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को पवित्र स्थलों की यात्रा करने, साधना करने और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वहाँ से भेजने का निश्चय किया। विदुर जी अब इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहते थे, इसीलिए रात्रि के अंधकार में वे अपने निवास स्थान से चुपके से निकले और धृतराष्ट्र के निवास स्थल की ओर चल दिए। विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश। अंधे धृतराष्ट्र और गंधारी को यह पता चल चुका था कि विदुर जी नगर में आए हैं और उन्हें उनके अपने पास आने की प्रतीक्षा भी थी। जब विदुर जी धृतराष्ट्र के निवास पर पहुँचे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने समीप आदर से बिठाया और विदुर के द्वारा दोनों का कुशल क्षेम पूछने पर उनसे अपने वंशनाश का दुख प्रकट किया। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा राजभवनों में अपनी और गंधारी की सुख सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की प्रशंसा की, परंतु विदुर जी का मन तो वस्तु स्थिति को देखकर अशांत हो रहा था और वह उचित समय पर धृतराष्ट्र से संसार त्याग की बात करने का विचार कर रहे थे। तुरंत ही विदुर जी की बातचीत का ढंग बदल गया। उन्होंने धृतराष्ट्र को उनके दुष्कर्मों के लिए भला बुरा कहना शुरू किया। उनके कटु वाक्यों को सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए और बोले, भाई, हम अपने 100 पुत्रों के मरने के कारण स्वयं ही शोकाग्नि में जल रहे हैं और उस पर तुम भी अपने कटु वाक्यों से जले पर नमक का काम कर रहे हो। क्या यह तुम्हारा व्यवहार न्यायोचित है? बहुत समय के पश्चात तुमसे मिलने का जो सुख एवं आनंद प्राप्त होने जा रहा था, उससे पहले ही तुम हमें दुख के सागर में धकेल रहे हो। मेरा भाग्य ऐसा ही है, सब मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अपनी हथेलियों पर माथा टिकाकर धृतराष्ट्र हतबुद्धि होकर बैठ गए। विदुर जी ने देखा कि राजा के मन को संसारिकता से विरक्त करने के लिए यह सबसे उत्तम समय है जिससे उनका भला हो सकता है। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य अभी भी दूर है, क्योंकि वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र और गंधारी संसार से विरक्त होकर पवित्र स्थानों का भ्रमण करें, संत पुरुषों का दर्शन लाभ करें, सत्संग के माध्यम से उस परम ज्ञान को
प्राप्त करें जो जीवन मुक्ति का एकमात्र उपाय है। उस प्रखर ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि धृतराष्ट्र की स्थिति पर विदुर जी स्वयं ही दुखी थे, परंतु फिर भी वे इस प्रकार के कठोर वचन बोले, ओ मूर्ख राजन, क्या आप निर्लज हो गए हो? क्या आप अब भी संसार में सुखों की खोज कर रहे हो? इस माया चक्र में भ्रमित रहने से आपको क्या लाभ? मैं समझता हूँ आपने सब कुछ देख लिया है। समय एक ऐसा भयंकर अजगर है जो निश्चित की हुई घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसे ही आपके जीवन की घड़ियाँ पूरी होंगी वह आपको निकल लेगा। राजन, अज्ञान में पड़े आप यह समझते हो कि आप मृत्यु से बच जाओगे और सदा यही रहोगे? आज तक उत्पन्न हुआ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे नहीं बच सका। इस नश्वर संसार में आप सुखों की खोज कर रहे हो और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पड़े हो। जीवन के बहुमूल्य वर्षों को आप नष्ट कर रहे हो, इसका सदुपयोग करो। प्रयत्न करने के लिए अभी देर नहीं हुई है। इस घर रूपी पिंजरे को छोड़ दो, संसारिक सुखों से मन को हटा लो और आनंद की कल्पना करो जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस आनंद धाम को सोचो जो इस जीवन यात्रा के पश्चात आपके लिए खुल सकता है। रिश्तेदारों और बंधु बांधवों के मोह को त्याग दो, अपनी रक्षा करो। मृत्यु के समय, इस लोक से परायण के समय आपके मन में उस प्रभु का ध्यान रहे, इसका अभ्यास करो। निर्जन वन में जहाँ अपना कोई ना हो प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देना श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि राजमहल में, विशाल राजधानी में, रिश्तेदारों के मोहजाल में फंसे रहकर सिसक सिसक कर मृत्यु को प्राप्त होना। जाओ, इस घर कहलाने वाले पिंजरे से तुरंत निकल जाओ। तपस्या के द्वारा अपना परलोक सुधारो। जय साई राम। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे सत्य
प्रकृत्य देवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्।